तो आज की जर्नी हमारी शुरू होती है आगरा के लिए। तो हमने भाई कुछ ठंडा पी लिया और हमने रास्ते में देखा, अरे यार तीन स्कूटर पुराने जमाने के। तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है दिल्ली से आगरा के लिए। तो आज हम आगरा पहुंच जाते हैं शाम को, तो हम चले जाते हैं होटल देखने। तो होटल में हमें होटल शीला मिलता है। तो देख जैसा कि देखिए दोस्तों, ये ताजमहल के से 90 मीटर डिस्टेंस पे है ईस्ट गेट के। तो ये रहा हमारा होटल, होटल शीला। तो चलिए हम आपको होटल घुमाते हैं। तो ये रहा हमारा होटल, छोटा सा प्यारा सा, बहुत प्यारा क्यूट सा होटल है। काफ़ी पुराने टाइम से, मोस्टली 60 इयर्स 70 इयर्स पुराना है। और यहाँ पे काफ़ी सारे टूरिस्ट भी आते हैं क्योंकि ये ईस्ट गेट के बिल्कुल सामने है 90 मीटर्स पे। तो लोगों का अट्रैक्शन यहाँ पे थोड़ा बना रहता है क्योंकि आपको पता है सुबह जो सन निकलता है ना जल्दी अर्ली मॉर्निंग में, तो सब लोग उसे ताजमहल के ऊपर जब वो पड़ता है बहुत प्यारा लगता है, तो उसे देखने है। तो ये रहा हमारा छोटा सा होटल, इसमें मोशन लाइट वगैरह लगा हुआ है। तो हम नाइट में थोड़ा टहल रहते हैं कि होटल को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। फिर मैं आपको दिन में दिखाऊंगा होटल कितना प्यारा है। तो रात में थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं दिख रहा है लेकिन होटल है बहुत अच्छा। तो आप जरूर आए। तो इस होटल में रुके कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है। होटल के मैनेजमेंट वगैरह सब कुछ अच्छा है। तो होटल में गार्डन वार्डन भी बहुत प्यारा है। तो हमारा रूम ये देखिए कैसा है, हमारा छोटा सा प्यारा सा रूम। रूम भी बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं था। रूम भी ओके ओके, हमने एसी ऑन कर ली। तो हम खाने के लिए चले आए। तो ये हमारा थोड़ा खाने का, इसमें आप खाने में यहाँ का दाल बहुत अच्छा है, दाल फ्राई लोगे बहुत टेस्टी है भाई, बहुत औसम है दाल फ्राई। हमने एक की जगह दो दो खाया। तो चले हम थोड़ा खाना खा के थोड़ा घूमने, आपको भी पता है खाना खा के थोड़ा घूमना भी जरूरी है। तो घूमते घूमते तो अब हमारा अगले सुबह हुआ। तो हमने ये देखते हैं सुबह में, तो होटल को थोड़ा सा निहार लेते हैं सुबह सुबह उठ के। तो होटल बहुत प्यारा है। अब चलिए मैं आपको होटल का दिन में टूर करा। तो ये होटल का मेन एंट्रेंस से हमने घूमा। तो ये देखिए शाम कितना प्यारा कलर है, मतलब ऐसा लग रहा है कि हम किसी पुराने हवेली में रह रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ओके ओके सब कुछ सही लग रहा। मौसम भी आगरा का बहुत अच्छा था। लेकिन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, हमारे साथ में एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो वो मैं आपको बताऊंगा। होटल से रिलेटेड नहीं है वो, हमसे रिलेटेड है। तो देखते हैं कि इस होटल को आप लोग थोड़ा सा देखो पहले, ये कितना प्यारा। ये छोटा सा हमारा रेस्टोरेंट था इसके अंदर में। तो इसमें जो सेफ थे वो बहुत अच्छे थे, खाना उन्होंने बहुत टेस्टी बनाया। तो ये देखिए होटल के अंदर भी इस साइड बैक साइड से हमारा रूम था। तो रूम भी बहुत अच्छा था, आपको दिखाया मैंने, जैसा कि बहुत प्यारा है। इन्होंने अच्छा डेकोरेशन वगैरह कर रखा था। तो आप यहाँ घूमोगे तो बहुत मजा आएगा क्योंकि बिल्कुल ये ताजमहल के ईस्ट गेट के बिल्कुल सामने, जहां से आपकी एंट्री होगी ताजमहल के, वो बिल्कुल सामने ही है। तो मजा आएगा आपको, यहाँ पे रुको और सुबह अर्ली मॉर्निंग भाग के जाओ बिल्कुल ताजमहल देखने में, तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ का व्यू वगैरह बहुत सही है, खाना वाना आप बहुत इंजॉय करोगे यहाँ पे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हो ये होटल कितना पुराना है और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन भी ओल्ड मॉडल है। तो और ये हाँ सबसे खास बात ये सिंगल फ्लोर का ही है, इसके ऊपर बस वाली छत है। तो अब चलते हम थोड़ा बाहर बाहर टहल लेते। तो ये रहा हमारा ताजमहल का मेन एंट्रेंस गेट बिल्कुल सामने होटल के। तो आप देखो ये बोर्ड बोर्ड लगा हुआ है, टिकट काउंटर है, बिल्कुल होटल से निकलोगे 10 कदम दूरी पे। थोड़ा सा चलते हैं हम टहलने के लिए और देखते हैं ये ताजमहल का क्या सीन है फिर भाई। लेकिन हमारे साथ में जो एक कॉम्प्लिकेशन हुआ, जैसा मैंने आपको बताया हम पहुंचे थे फ्राइडे के दिन। तो पता है फ्राइडे के दिन ताजमहल बंद रहता है, तो आप लोग ये गलती ना करें, ताजमहल कभी भी फ्राइडे के दिन घूमने नहीं है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया चलो अब हम कहाँ चले। फिर हम काफी परेशान हो गए यार कि थर्सडे को हम नाइट में निकले थे और फ्राइडे को हम पहुंच गए थे। ये हमें यहाँ आके पता चला कि फ्राइडे के दिन ताजमहल बंद रहता। तो अब तो बताओ ताजमहल घूमने का मजा ही खराब हो गया। फिर हमारे पास इतना टाइम ही नहीं था जो हम रुकते, हम सिंगल डे के लिए आए थे। तो मैंने सोचा कि चलो अब क्या किया जाए, क्या ही किया जाए। तो फिर हमने होटल में जो मैनेजर थे उनसे पूछा बात है क्या कि भाई अब आगे क्या करना चाहिए। तो हमें तो हम तो रुकेंगे नहीं नेक्स्ट डे। तो उन्होंने बताया कि ऐसा ना आप मेहताब बाग चले जाओ, मतलब मेहताब बाग आप यहाँ से जाओगे तो 9-10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, मतलब वो घूम के जाता है मतलब ताजमहल के बैक साइड से। तो हमने वहां पे जाने का डिसाइड किया। तो फिर हम निकल लिए चलो वहां पे, क्योंकि मेहताब बाग के पीछे से ताजमहल बिल्कुल दिखता है क्योंकि वो मेहताब बाग से बैक साइड होता है। वहां पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं जिसको अगर पीछे से ताजमहल देखना है तो वो भी आते हैं, मतलब ऐसा फील नहीं होगा कि आप ताजमहल बैक साइड से देखो। तो हम निकल चुके हैं चलो देखते हैं कुछ कहीं जुगाड़ हो जाए देखने का होता। तो हमारा ये देखो आप ताजमहल के आसपास जो मार्केट देख रहे हो ये यहाँ पे 10 बजे के बाद ही ओपन होता है, इससे पहले नहीं ओपन होता
क्योंकि आज फ्राइडे था तो और मुश्किल ही ओपन है, क्योंकि फ्राइडे के दिन वहाँ पे छुट्टी रहती है, तो छुट्टी में तो पॉसिबल नहीं कि यहाँ पे खुले गेट, तो इसलिए हम मार्केट भी शाम में ही थोड़ा सा ओपन होता है फ्राइडे के दिन, और अदरवाइज नहीं भी होता। तो आप लोग कभी भी फ्राइडे के दिन नहीं आए, अवॉइड करें आना, फ्राइडे के बाद आए कभी भी आए घूम सकते हैं, लेकिन फ्राइडे के दिन प्लीज मत आना, क्योंकि आप घूम नहीं पाओगे, फिर मजा ही नहीं आएगा। तो यहाँ पे कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें भी अच्छी थी, और ये देख रहे हो आप ताजमहल के पास कितनी धुलाई, कितनी सफाई, बहुत मतलब हाइजीन का बिल्कुल ध्यान रखा जा रहा है यहाँ पे, बहुत अच्छा है भाई, बिल्कुल अच्छा है। मतलब आप ऐसा फील करोगे आप इंडिया में नहीं हो सच में, यहाँ मतलब इस जोन में ना बहुत मजा आएगा घूमने में आपको। तो फिर हम यहाँ से निकल चुके कि सामने, फिर यहाँ देखो कुछ पुलिस वाले यहाँ पे बैठे रहते हैं, ये ताजमहल का एंट्री गेट है, इस गेट देखो लिखा हुआ है, इसके इसके अंदर से भी एंट्री होती है। तो यहाँ पे कुछ गार्डन वार्डन बना हुआ है, तो यहाँ पे पुलिस वाले थोड़ी चौकी है, तो यहाँ पे वीडियोग्राफी के लिए मना करते हैं, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन जोन है, तो थोड़ा सा इसमें संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस वालों ने, क्योंकि जब हम रात रात को लौटे थे पुलिस वालों ने हमें रोका था, पूछ रहे थे। तो ये देखिए ताजमहल मेट्रो स्टेशन भी है यहाँ पे, क्योंकि ताज आगरा में मेट्रो भी स्टार्ट हो गया जैसा कि आप लोगों को पता, तो बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे, आप आओगे घूमोगे बहुत मजा आएगा, मतलब मेट्रो वेट्रो। तो हम मेहताब बाग ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, तो ये देखिए मेहताब बाग कितना प्यारा है, मतलब मेहताब बाग के भी एक अट्रैक्शन प्लेस है, यहाँ पे भी बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते घूमने के लिए, मतलब आप जाओगे तो यहाँ पे बहुत सारी मूवीज की शूटिंग भी होती है, तो बहुत अच्छा फील होगा यहाँ पे, आप घूमोगे मेहताब बाग, मतलब ऐसा लग रहा है कि क्या हसी वादिया वाला फील आ रहा है ना। तो मेहताब बाग भी एक, आप इसके बारे में पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि मेहताब बाग अपने आप में एक बहुत अच्छा चीज है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे गार्डन, क्योंकि ये मुगल टाइम से ही बना हुआ है, तो यहाँ पे आप लोग देखो, तो मेहताब बाग आप लोगों ने देख लिया, ये देखो एंट्री हमने की, और ये हम घूमते घूमते सब फूल वूल भी देख लिया, बहुत प्यारा प्यारा मतलब फूल फ्लावर्स था। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मिले, देखो सामने का व्यू कितना प्यारा है, बहुत मजा आया घूमते घूमते भाई, सच में हमने बहुत इंजॉय किया यहाँ पे। तो अब हम चलते धीरे धीरे यहाँ से मेहताब बाग से चलते, जैसे आप मेहताब बाग में एंट्री करोगे तो ये सामने आपको एक व्यू मिलेगा, तो यहाँ से आप चलते एंट्री करते करते आप जब आगे बढ़ोगे तो आपको सीधा ताजमहल पहुंच जाओगे, ये बैक साइड का ताजमहल है। तो हम नजदीक में गए क्योंकि बीच में जमुना पड़ता है, जमुना जो नदी है, तो जमुना के इस पार मेहताब बाग है, जमुना के उस पार आपका, तो थोड़ा हमने आइसक्रीम वाइसक्रीम खा लिया वहां पे, फिर हम थोड़ा गेमिंग वेमिंग के लिए खेलने चले गए। तो अब हम वापस जा रहे हैं, तो हमने सोचा कि चलो आगरा फोर्ट को भी थोड़ा देख लिया जाए। तो ये सामने आप जो दिख रहे हो ये आगरा फोर्ट है, ये काफी बड़ा फोर्ट है, मतलब जो आप रेड फोर्ट देख रहे हो उससे काफी ज्यादा बड़ा है, लोग यहाँ पे बहुत सारे लोग आते घूमने के लिए, मतलब ये भी बहुत बड़ा, मतलब इतना बड़ा फोर्ट है कि आप घूमते घूमते थक जाओगे, सच बता रहा हूँ, काफी बड़ा फोर्ट है, मतलब बहुत अच्छा भी है, और सच में मतलब एक हिस्टोरिकल आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले जो इन्होंने भी इसको सर्वे किया है, तो उसपे बहुत मतलब इतना बड़ा फोर्ट बनाना पॉसिबल आज के डेट में बताओ नहीं है, क्योंकि सोचो उस जमाने में कितना पैसा, मतलब कितना मैन पावर वगैरह सब लगा हुआ इस फोर्ट को बन तैयार करने, क्योंकि आप जब सिटी घूमोगे ना जितनी इधर से जाओगे तो आपको आगरा फोर्ट दिखेगा ही, तो एवरी टाइप से आप जिधर से घूमते घूमते जाओगे रोडों से आगरा, देखो थोड़ा हमने ताजमहल पे मस्ती कर ली और भूख लग गया, तो थोड़ा हमने सोचा कि बिरयानी लाप दी जाए, तो हम थोड़ा बिरयानी बिरयानी खाए, तो भाई और हमने आगरा का पेठा भी जरूर लिया, आप भी मत भूलना कभी भी पेठा लेना। तो आज हम वापस आ गए दिल्ली, तो हम सोचे चांदनी चौक घूम लिया जाए, तो चांदनी चौक पे हमने थोड़ा सा मस्ती वस्ती किया, तो भाई चांदनी चौक भी थोड़ा सही है, हमने वहाँ पे मार्केट वार्केट देखा और हमने आइसक्रीम का मजा लिया, ठंडी है, फिर हम चले गए शॉपिंग मॉल घूमने, तो वहाँ पे हमने थोड़ी सी शॉपिंग करने की सोची, तो हम आए हैं डेलफ में, तो यहाँ भी थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करने का प्लान था, तो हमने सोचा कि चलो एक शूज वूज लिया जाए, तो हमने स्केचर्स का शूज ले लिया, फिर हम पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक का मजा उठाने लगे यहाँ पे, हमने भी थोड़ा सा फोटो वोटो क्लिक किया, फिर मॉल का एम्बियंस देखो कितना प्यारा है, सच में बहुत अच्छा, बहुत प्यारा एम्बियंस है, मतलब आप आओगे तो एंजॉय करोगे बिल्कुल। तो हमने यहाँ भी थोड़ी मस्ती कर ली, क्योंकि पता है यार मॉल मॉल घूमने में थोड़ा सा शॉपिंग करना भी मजा आता है, तो हमने यहाँ पे कुछ ज्यादा ही मस्ती करी, हमने यहाँ पे काफी अच्छा टाइम बिताया,
धीरे धीरे घूमते घूमते फिर हम चले गए थोड़ा डिकैथलॉन की तरफ। डिकैथलॉन में हमने थोड़ा इंजॉय किया। फिर ये देखा टॉय ट्रेन वगैरह कितना प्यारा लग रहा है। तो हम जो आए थे सिलेक्ट सिटी वॉक, यहाँ पे डीएलएफ एवेन्यू और सिलेक्ट सिटी वॉक जो है आपका दोनों मॉल कंबाइन है, तो यहाँ पे ये साकेत में पड़ता है, तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा मजा मार लिया। तो हम यहाँ पे घूमते घूमते शाम हो गए और सोचा कि फिर चलो कुछ और ले लिया जाए, तो हमने आइलैंड वाली में थोड़ा सा शॉपिंग कर लिया। फिर हम चले गए आपको घूमने के लिए, पता है कहाँ? इंडिया गेट। तो इंडिया गेट भी संडे का दिन था भाई, बहुत मजा आया संडे वाले दिन पे, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्राउड रहता है संडे वाले दिन। तो हम लोगों ने यहाँ पे काफी इंजॉय किया। ये देखो कितना प्यारा प्यारा लुक आ रहा है, कितना प्यारा है। और यहाँ पे फाउंटेन वाउंटेन कितना चल, आप तो पता होगा कि आपको इस टाइम यहाँ पे कर्तव्य पथ जो अंडर पास बना है, तो और लोगों का क्राउड ज्यादा होता है यहाँ पे। तो भाइयों यहाँ पे बहुत हमने इंजॉय किया। तो फिर हम चलाए थोड़ा सा नॉवेल्स वॉवेल्स लेने के लिए, तो थोड़ी भूख भी लगने लगी उसके, तो हम सोचे कि चलो फिर से बिरयानी कर लिया। फिर हमने मेट्रो पकड़ के वापसी घर के लिए लिया,